गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फास्ट एंड फेस्टिवल में। प्यारे दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का एक खास अर्थ होता है। हम सपने में कैसे दृश्य देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस सब का हमारे जीवन के साथ कहीं ना कहीं संबंध होता है। जरूरत है तो केवल इन सपनों से मिलने वाले संदेशों को समझने की। आज हम बताएंगे कि अगर आप सपने में खुद को रोता देखते हैं या किसी और को रोता देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। स्वप्न शास्त्र की राय में सपनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, शुभ स्वप्न और अशुभ स्वप्न। तो चलिए जानते हैं रोने वाले सपने शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं। अगर आप सपने में रोना देखते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह असल जिंदगी में आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला सूचक माना जाता है। यह सपना बताता है कि वे परिस्थितियां जल्द ही आने वाली है जो समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। किंतु और भी कुछ संकेत है जो सपने में रोने जैसी अवस्था के कुछ अलग ही अर्थ निकालते हैं। अगर सपने में आप खुद को रोता हुआ पाते हैं तो यह आपकी मानसिक अवस्था को दर्शाता है। हो सकता है कि सपने में ऐसा कोई दृश्य चल ही नहीं रहा जिसके कारण आपको रोना पड़े, लेकिन फिर भी आप रो रहे हैं। इसका अर्थ है कि असल जिंदगी में कोई ऐसी खास वजह है जो आपको सपने में रुला रही है। सपने में खुद का रोना दर्द को दर्शाता है, लेकिन साथ ही मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि असल जिंदगी में जो लोग रो नहीं पाते उनका यह दर्द सपने में रोने से कम हो जाता है। इसलिए सपने में खुद को रोता देखना और रोते हुए उठना मानसिक रूप से सही है। अब बात करते हैं अगले संकेत की। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में किसी की मृत्यु पर खुद को रोता पाना उस व्यक्ति के दीर्घायु होने का सूचक है। लेकिन अगर आप किसी और को रोता हुआ देख रहे हैं तो यह बताता है कि आप असल जीवन में किसी का सहारा चाहते हैं। संभव है कि जो काम आप स्वयं नहीं कर पा रहे, अपने दम पर दर्द को कम करने में असमर्थ हैं, तो सपने में किसी और की सहायता से उसे पूरा करना चाह रहे हैं।